खुशी दो प्रकार की हो सकती है। एक है सांसारिक, कोई व्यक्ति इसलिए खुश होता है क्योंकि उसने किसी चीज में सफलता पाई है। किसी ने वह घर खरीद लिया है जिसे वह हमेशा खरीदना चाहता था। किसी ने उस स्त्री को पा लिया है जिसे वह हमेशा पसंद करता था। लेकिन इस प्रकार की खुशी क्षणिक होती है, ये एक हवा की तरह आती है और एक हवा की तरह चली जाती है और तुम फिर से खाली हो जाते हो। वास्तव में तुम पहले से अधिक हताश हो जाते हो, क्योंकि पहले एक आशा थी, अब वह आशा भी चली गई है। सांसारिक खुशी अच्छी है अगर ये अपने आप आती है और तुम सचेत रहते हो कि इससे अटैच नहीं हो जाना, जुड़ नहीं जाना। वास्तव में अगर तुम इसे चाहते नहीं हो तो तुम इसे जुड़े नहीं होते, तब ये सिर्फ एक घटना होती है। तुम ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और तुम किसी व्यक्ति से मित्रता कर लेते हो और तुम संवाद करते हो, आपस में अपने जीवन के बारे में बातें करते हो। फिर उसका स्टेशन आता है और वह उतर जाता है और तुम उसे शुभकामनाएं देते हो और वह तुम्हें शुभकामनाएं देता है और ये वहीं समाप्त हो जाता है। सांसारिक जीवन को इस तरह से लिया जाना चाहिए। लेकिन एक और प्रकार की खुशी है, डिवाइन हैप्पीनेस, दिव्य खुशी। इसका किसी बाहरी चीज से कोई संबंध नहीं है, ये तुम्हारे भीतर से उभरती है। ये संभव है केवल यदि तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो, यदि तुम अपने स्वयं के केंद्र के साथ सामंजस्य स्थापित करते हो, यदि तुम इतने शांत और ध्यानी हो जाते हो कि विचार अब नहीं होते, इतने शांत कि कोई अतीत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, केवल वर्तमान होता है, अब की शुद्धता और यहाँ की पूर्ण ताजगी, तब तुम्हें एक नए प्रकार की खुशी का अनुभव होता है। ये किसी कारण से नहीं होती, ये बस तुम्हारे भीतर से बहने लगती है। ये विचित्र है, तुम इसे किसी को समझा नहीं सकते, ये शब्दों के पार है। तुम किसी को बता नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वह सोचेंगे कि तुम पागल हो रहे हो। उन्होंने हमेशा इस तरह से सोचा है क्योंकि उन्हें केवल एक प्रकार की खुशी का ज्ञान है, वह जिसका बाहरी कारण होता है। यदि तुम कारण दिखा सकते हो कि तुमने लॉटरी जीती है या कुछ और, तो वह इसे समझते हैं। लेकिन तुमने लॉटरी नहीं जीती है, तुमको देश के राष्ट्रपति के रूप में नहीं चुना गया है, बाहरी रूप से तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, फिर भी तुम आनंद से भरे हुए हो और ये खुशी तुमसे बह रही है। निश्चित रूप से लोग सोचेंगे कि तुम पागल हो, उन्होंने हमेशा ऐसा ही सोचा है। हर जागृत व्यक्ति को पागल समझा गया है इस पागल दुनिया द्वारा। लेकिन इसकी चिंता मत करना, यदि तुम्हारे पास ये खुशी है तो सारी दुनिया तुम्हारी है और तुम्हारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। प्रणाम।